हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है 8,400 रुपीज़ का। तो मैंने कुछ ट्रेड लिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में। मैं आपको बस मेरा लॉजिक बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सोच के ये ट्रेड बनाया था आज। चलो तो अभी जाते हैं हम लोग फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखा जाए तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बनाया था, ये वाला जो रेड कैंडल है वहाँ पर मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस लेवल में आया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो ओआई है, कॉल ओआई, वो ज़्यादा थे। एक इन्वर्टेड हैमर बना था और मुझे लगा था यहाँ से अब मार्केट वापस इस पोजीशन पर आया तो यहाँ से अब नीचे गिर सकता है क्योंकि ये ओआई को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर दो कैंडल बस बना, रेड कैंडल, दो रेड कैंडल बने, एक दो, और मैंने उसी में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं बहुत देरी यहाँ पर ट्रेड में नहीं रहता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट एक और ट्रेड मैंने बनाया। जब ये फॉल आया था यहाँ पर, उसके बाद से फिर से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर जो कॉल हुए थे वो रेड वाले ज़्यादा थे तो मुझे लगा यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पर भी दो कैंडल का मैंने ट्रेड बना लिया तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट हो गया था। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी में जाता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी कुछ मैंने ऐसे ही किया था। यहाँ पर एक रिजेक्शन शो कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था और फिर मैं यहाँ से एक कैप्चर कर लिया मूवमेंट को। फिर से जब मार्केट वापस से अपने रजिस्टेंस लेवल के पास में आया, यहाँ पर 51,400 में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड वाले ज़्यादा हैं तो मैं समझ गया था यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक अपना पोजिशन बना लिया। तो वैसे ही मैंने तीन चार ट्रेड किए, कुछ में मुझे लॉस हुआ, कुछ में मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि कभी कभी मार्केट रिवर्स चला जाता है, जैसे यहाँ से रिवर्स चला गया, ठीक है, और तो मुझे वहाँ से ट्रेड से निकलना पड़ा। आपका लॉजिक हमेशा 100% वर्क करेगा, वो ऐसा नहीं है, बट हाँ एक ही लॉजिक पे ट्रेड करो। अगर आपका यू नो विनिंग रेशियो अगर 80% 90% है तो आप उसी में ट्रेड करो और उसी में प्रॉफिट बनाओ। ओके, सो चलो